आज मैं आपको सेवंथ की हिंदी हिंदी में पाठ बोला भोर और बरखा लेसन का नाम है ये भोर और बरखा अर्थात भोर माने सुबह और बरखा यानी वर्षा। ये आपके पद है मीरा बाई की रचित मीरा बाई द्वारा रचित ये पद है दो पद है एक भोर के बारे में बताया है और दूसरा सावन की वर्षा के बारे में बताया। ये आपको दो पदों के बारे में बताया पहले मैं आपको पहला पद करवा दूं किसने रचित है ये मीराबाई द्वारा रचित है कृष्ण की उन्होंने मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की थी। तो अब इसमें क्या बताया गया है पहले हम सारांश लिख देते हैं सारांश प्रस्तुत पद में या आप सीधे प्रश्न में लिख लेते हैं ठीक है। पहले मैं आपको लेसन समझा देता हूँ लेसन समझाने में क्या है बुक खोलो आप सब बुक में ही है जागो बंसी बारे लड़ना क्या कहते हैं मीराबाई कहते हैं मीराबाई किसकी भक्ति करती है कृष्ण की भक्ति की है और उन्होंने कृष्ण के बारे में ही लिखा है कृष्ण का बचपन का रूप भी उन्होंने लिखा है बाल रूप का वर्णन भी किया और कृष्ण का बड़े होने के बाद का भी उन्होंने वर्णन किया अपने पदों में ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है जागो कह रहे थे मैं बताती हूँ शब्दार्थ शब्दार्थ लिख दो अब पहले आपको इसका मतलब समझना चाहिए भोर भोर किसे कहते हैं हम सुबह सुबह को भोर कहते हैं गांव की भाषा में बरखा यानी वर्षा बरखा यानी वर्षा बरसात बरसात जो होती है उसे हम बरखा बोलते हैं। अब मीराबाई क्या कहती है अपनी किताब खोलो किताब में लिखा है जागो बंसी वारे लल्ला लल्ला माने बेटा लल्ला क्या कहते हैं बेटा पुत्र को कहते हैं लल्ला। तो मीराबाई कहती है बंसी वारे ये थी बांसुरी वारे बंसी वारे यानी बांसुरी वारे मीराबाई कहती है जागो बंसी वाले लल्ला हे मेरी बंसी वाले पुत्र अब तो जाग जाओ तो जाग जाओ क्योंकि अब रजनी बीती रात बीती रजनी माने रात रजनी रात बीत गई है रजनी मीन्स रात रजनी बीती भोर भयो है गर्गर खुले दिवाले रात बीत गई है और सुबह हो गई है भोर माने सुबह घर घर खुले दीवारे यानी घर घर जितने भी घर है सबके दीवारे यानी दरवाजे दीवार किसको कहते हैं दीवारे दीवारे यानी दरवाजे गांव की भाषा में दीवारे बोलते हैं यानी घर घर के दरवाजे खुल गए हैं अब तो तुम जाग जाओ। कौन कहते हैं मीराबाई लिख रही है वो कृष्ण से यशोदा माँ कहते हैं वो कहती है यशोदा माँ जो है अपने पुत्र को जगा रही है वो सो रहे हैं उसका वर्णन मीराबाई ने अपने पद में किया है कृष्ण छोटे हैं वो सो रहे हैं और यशोदा माँ उनको देख रही है अब बोर हो गई है सब कुछ काम शुरू हो गया है घर घर के दरवाजे खुल गए हैं सब अपना काम करने लगे हैं तो कहती है बंसी वाली लल्ला मेरे बेटे अब तो जाग जाओ रजनी बीती भोर गयो है घर घर खुले के मारे रात बीत गई है सुबह हो गई है और घर घर के दरवाजे अब खुल गए हैं गोपी गई मथक है सुनिए थे कंगना के झनकारी कंगना गोपी जो है दही मथने लगी मथक माने मथना मथक माने मथना दही मथना दही मथके हैं हम सुने थे दूध को मथके दही और मथके घी निकालते हैं वो गांव में करते हैं तो क्या क्या हुआ कि गोपियां जो है दही मथके मथने लगी हैं और उनके कंगना कंगना अर्थात चुंडी जो है कंगना किसे कहते हैं कंगन उनकी आवाज गूंजने लगी है जब दही मथेंगे तो उनके हाथों में जो कंगन पड़े हुए हैं चुंडियां पड़ी हैं वो भी छनछन छनछन करने लगी है यानी उसकी आवाज भी चारों तरफ फैलने लगी है अब इतना सब कुछ हो गया अब तुम सो रहे हो अब जल्दी से तुम जाग जाओ उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे
अब कहते हैं मेरे पुत्र जग जाओ, अब सुबह हो गई है, अब सूर्य उदय, सूर्य माने देवता, सूर्य देवता और नर माने मनुष्य, सूर्य माने खड़े भारे, खड़े माने खड़े और द्वारे माने दरवाजे पर, द्वारे मतलब दरवाजे पर, वो कहते हैं आपको जान जाओ अब देवता और मनुष्य भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी से जल्दी जाग जाओ। कौन कह रहा है? यशोदा मां अपने पुत्र को जगाते हुए कह रही है। बाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, कुलाहल माने शोर, बाल बाल जो जितने बाल बाल इधर खड़े हुए हैं वाले, वो क्या करते हैं, जोर जोर से शोर करने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं, शोर करने लगे हैं, जय जय शब्द उचारे, जय जय का उद्घोष, शब्द माने शब्द, जय जय का उद्घोष करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं, जय 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 करने लगे हैं, बाहर जोर जोर से शोर हो रहा है और तुम अभी तक जागे नहीं हो, अब उच्चारे मन बोल रहे, उच्चारे नहीं उच्चारण करना, बोल रहे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवा दे, उन्होंने माखन रोटी, माखन यही गौवन का मतलब गाय, गौवन यही गाय के रखवाले, ग्वाला बोलते हैं, रखवाले माने रक्षा करने वाली, रखवाले रखवाले रक्षा करने वाले, उनको क्या बोलते हैं, छोटे रूप में ग्वाले बोलते हैं, ग्वाले गाय चराते हैं, वो क्या बोलते हैं, कृष्ण भी ग्वाले थे, कृष्ण कौन थे, ग्वाले थे, वो गाय चराया करते थे, तो उस शहर में ग्वाले ही ग्वाले हैं, गाय चराने के लिए जय 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 करते रहते हैं और वो जो से शोर करते रहते हैं। ठीक है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, अब वो कहते हैं शरण मन, शरण मन है मीरा भाई, कहते हैं हे प्रभु अब तो जान जाओ, अब सबको अपनी शरण में ले लो, क्या बोलती है, जाग जाओ, जो भी हैं आपको खड़े हैं आपका इंतजार कर रहे हैं और सबको अपनी शरण में ले लो और सबका कार्य उद्धार कर दो, सबका क्या कर दो, आपकी शरण में आए हुए लोगों का कार्य, कार्य का मतलब उद्धार करना, उद्धार करना, या तो कथा कविता थी पद मीराबाई द्वारा रचित, उससे मैंने सारा बताया और उसके शब्दार्थ कर रखी, ये शब्दार्थ आपने लिख लिए होंगे, अब मैं आपको भावार्थ पूरा लिखो, अब आप लिखेंगे भावार्थ, पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, पहले प्रसंग, प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में लिखने के बाद आगे करेंगे, प्रसंग में क्या लिखते हैं, कविता का नाम, ये कविता किसने रची हुई है, किसने लिखी है, उसके बाद लिखेंगे इसमें क्या कहा गया है, वो छोटे रूप में लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रसंग, प्रसंग लिखो, पहले लिखो कहां से कहां तक लिखोगे आप, जागो बंसी वाले से लिखिए, जागो पहला पद है, जागो बंसी वाले लड़का से, डैश कर दो, यानी इसके अंदर अगर पूरी कविता लिखो आप, या डैश कर दो, आए आपको तारे, वो तारे ये आपने लिख लिया होगा, लिखने के बाद अब हम लिखेंगे इसका प्रसंग, लिखो प्रस्तुत पद्य, पद्यांश या पद्य मीराबाई द्वारा रचित, मीराबाई द्वारा रचित, किसे लिखे ये भी लिख सकते आप,
हिंदी पार्ट सिस्टम पसंद है हिंदी पार्ट पुस्तक पुस्तक कक्षा सात अच्छा साथी वसंत भाग दो वसंत भाग दो से ली गई है ठीक है इसकी रचयिता ये मीरा भाई आपने किया जस्ट उसका मीरा भाई द्वारा रचित ठीक है हिंदी बात कर सकते इसमें मीराबाई ने उस समय का वर्णन किया है उस समय का वर्णन किया किस समय का जब यशोदा माता जब यशोदा माता भोर होने पर सोते हुए कृष्ण को जगा रही है जगा रही है ठीक है प्रसंग हो गया ये प्रसंग के लिए प्रस्तुत पाठ मीरा बाई द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा सात के वसंत भाग दो से ली गई है पाठ का ये वसंत भाग दो किताब का नाम है इसमें मीरा ने या मीरा बाई ने कुछ लिखा मीरा बाई ने उस समय का वर्णन किया है जब यशोदा माता भोर होने पर सोते हुए कृष्ण को जगा रही अब वो क्या कह रही है ये आगे आप लिखिए बाबा प्रस्तुत पद में यशोदा माँ कृष्ण को जगाते हुए कह रही थी कि हे मेरे पुत्र कृष्ण कृष्ण अब तो सुबह हो गई है अब तो जो मैंने समझाया था वो का वो आपको लिखना है अब तो सुबह हो गई है अब तो जाग जाओ अब तो सुबह हो गई है अब तो जाग जाओ ठीक है सुबह हुई है अब जाग जाओ अब क्या क्या होने लगा है सुबह हुई है अब जाग जाओ रात बीत गई है रात बीत चुकी है रजनी बीती यानी रात बीत चुकी है ठीक है अब क्या हो रहा है रात बीतने के बाद सुबह होने से घरों के दरवाजे भी खुल गए रात बीत चुकी है सुबह ठीक है सुबह होने से दीवार में दरवाजे घर के दरवाजे भी खुल गए जब घर के दरवाजे खुल गए उसके बाद क्या होने लगा
ब्रज की गोपियां दही बिलो रही हैं, ब्रज की गोपियां दही बिलो रही हैं, इससे उनके कंगनों की आवाज गूंज रही है, इससे उनके कंगन की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। चारों तरफ क्या हो रही है? गूंज रही है, इससे उनके कंगनों, इससे उनके कंगनों की झंका सुना। सुबह हो गई है, अब गोपियां जो है दही मथने लगी है, और जिसे दही मथते हुए दूसरे कंगन पहन रखे उनकी आवाज की गूंजने लगी है। ये प्रिय पुत्र उठो, उठो, सुबह हो गई है, उठो, अब सुबह हो गई है। अब सुबह होने के बाद क्या हो गया कि दरवाजे और देवता मनुष्य दरवाजे और दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर, देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं, राह देख रहे हैं। सुर और सुरमुनि और जन यानी मनुष्य तुम्हारी राह देख रहे हैं। ग्वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, ग्वाले ग्वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण उनका शोर सुनाई दे रहा है, उनका कोलाहल, उनका शोर सुनाई दे रहा है, ठीक है। कोलाहल कर रहे उनका शोर कानों में आ रहा है, ये उनका शोर जोर जोर से सुनाई दे रहा है। फिर वो आगे क्या कहती है, आगे की लाइन मैंने बताई है, तो आप पैन वाले बुक में देखो क्या करवाना है, और आप सोचो मैंने क्या करवाया है। मैंने करवाया है उसके बाद है, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवर के रखवाले, गौवर के रखवाले में जो बालक है वो हाथ में माखन रोटी लेके खड़े हैं, ग्वालों ने हाथ में मक्खन रोटी ले ली, मक्खन रोटी ले ली है, ठीक है। क्या ले लिया उन्होंने? मक्खन रोटी हाथ में ले लिए ग्वाले, वहां सब ग्वाली वाली गाय चराते थे, सब ग्वाली वाली
Kavitri ini Nambira kayak kayak gini. Kavitri. Nira kali. Kering hati. क्या कह रही है कि सस्ता उधार कर दो चतुर्विध प्रभु चतुर्विध प्रभु अब सुन अपनी शरण में आए हुए लोगों का पारे में उधार कर दो अपनी शरण में अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर दो उनको क्या कर दो उद्धार कर दो कौन कह रहा है ये मीराबाई ने लिखी है और वो कृष्ण को उस समय का वर्णन कर रही है जब यशोदा माँ कृष्ण को सुलाती है और उसके बाद सुबह हो जाती है तो वो उठ जाती है सब काम शुरू हो जाते हैं लेकिन उनका पुत्र कृष्ण अभी तक सो रहा है वो तभी कहती है कि कृष्ण जगाते हुए कह रही है कि हे मेरे पुत्र कृष्ण अब तो सुबह हो गई है अब तो जाग जाओ रात बीत चुकी है सुबह होने से घर के दरवाजे भी खुल गए हैं सुबह सुबह सब खोल लेते हैं रात सुबह होते ही सूर्य डूबते ही ब्रज की गोपियां दही भी हो रही है इससे उनके कवनों की आवाज सुनाई दे रही है एक वीर पुत्र उठो उठो सुबह हो गई है दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं उनका शोर सुनाई दे रहा है वो जय 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 दूर से चिल्ला रहे हैं वो शोर हो रहा है ग्वालों ने हाथ में मक्खन रोटी ले रखी है ठीक है कवित्री मीराबाई कह रही थी चतुर्युधर अब तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर ठीक है ये है हमारा कर लिया होगा आप सबने अब मैं आपको इसका एक विशेष बता देती हूँ दो पद है ये एक पद आज का हूँ एक पद अगले साल में कराऊंगी क्योंकि दोनों आपके बच्चे समझ नहीं पाओगे तो पहले एक विषम रसम व्याख्या करते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं उसका विशेष तो आप उसका विशेष लिख लो उसी प्रकार का विशेष बना चलेगा दूसरे पद में विशेष लिखो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया ये कृष्ण सो रहे हैं बस पर बाल रूप का वर्णन पहला दूसरा है पद पद प्रज्ञांश की भाषा या पद की भाषा बोले पद की भाषा सरल उदम और सुबोध सुबोध कवित्री की भाषा भावों के अनुकूल है भावानुकूल तो भावानुकूल है अच्छा अब इसमें कौन सा रस है भक्ति रस इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया भक्ति रस Thank you.
ठीक है। और अलंकार और छंदों, देखो कोई भी कविता पद होगी छंदों द्वारा ये बनेगी, इनमें छंदों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन गई है। भाषा से कविता कविता कह लो या ध्यान कह लो सुंदर बन गई है। इसमें रूपक उपमा अनुप्रास अलंकारों प्रयोग किया, ठीक है। तो हम क्या है, कोई भी कविता लिखते हैं तो कविता लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कविता पहले उसके शब्दार्थ जानते हैं, कविता को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। जब हम कविता अच्छी तरह पढ़ लेंगे तभी हम उसके शब्दों के अर्थ निकाल सकेंगे। शब्दों के अर्थ निकालने के बाद, शब्दार्थ लिखने के बाद हम लिखेंगे उसका प्रसंग, ठीक है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत कविता किसका विकार है, यानी इसमें मेरे मीरा बाई विकार रचित भोर और बरखा से अवतरित है। पाठ का नाम भी लिखना है आपको, ठीक है। अब भोर और बरखा से अवतरित है ली गई है और इसमें कृष्ण के बाल का वर्णन किया है। जब कृष्ण छोटे थे तो उनको जब सो के उठे नहीं थे बहुत देर तक और माता यशोदा कृष्ण को उठा रही है, मेरे पुत्र उठो आप सुबह हो गए, ये वर्णन उन्होंने लीलाबाई ने इसमें किया, ठीक है ना। अब हम इसके बाद हमने ये लिख दिया, उसके बाद हमने विशेष लिखा। विशेष में क्या लिखे थे, प्रस्तुत पद लीलाबाई, प्रस्तुत पद में लीलाबाई ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। पद्य की भाषा सरल सुगम व सुबोध है, पवित्री की भाषा भावानुकूल है, पवित्री की भाषा भाषा कैसी है, भावों के अनुकूल है, ठीक है। यानी एक एक भाव का मतलब हमारी समझ में आ रहा है, उसी के अनुकूल है, समझ में आ रहा है। इसमें भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, छंदों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन गई है, कविता सुंदर बन गई है। इसमें रूपक उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग ये हमें हमारी क्या हो गई, कविता ये हो गई। पहला पद, पहला पद है इसका भोर और बरखा, यानी भोर को सुबह, तो सुबह जो है कृष्ण के, इसके बारे में बताया कि कृष्ण के सुबह के बारे में, सुबह क्या क्या होने लगा, गोपियां उठ गई हैं, दही मथने लग गई हैं जिससे उनके कंगनों की आवाज जमकार चावल पर सुनाई दे रही है, ग्वाले उठ गए हैं, ग्वाले गाय चराने लग गए हैं, हाथ में दही मक्खन मूठी ली हुई है और जो जो से शोर कर रहे, तो ये इसमें भोर वाले में और बरखा इसमें दिया है, भोर और बरखा ये सुबह और बरखा ये वर्षा। अब वर्षा में क्या है, ये दूसरा पद है जो मैं आपको आगे कराऊंगी, वर्षे बदलिया सावन की, ये भी मीराबाई ने लिखा है। किसने लिखा है, मीराबाई ने लिखा है, उसी समय का वर्णन कर रही है सावन का क्या होता है, बढ़ते वर्षे बदलिया सावन की, सावन की मन भावन की, यानी सावन में जो बादल बरसते हैं बारिश होती है वो मन को बहुत ही सुंदर लगती है, मन को बहुत अच्छी लगती है, ये मीराबाई ने उस समय का वर्णन किया है। सावन में उनग्यो मेरे मनवा भनक सुनी हरि भावन की, यानी सावन में जब मेरा जो मन था बहुत ही उत्साहित हो गया और मुझे ऐसे लगने लगा कि श्री कृष्ण आ रहे, हरि हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहा, उमड़ घुमड़ चौदिस से आया दामिन दमके झल लावन की, उमड़ घुमड़ क्या है, उमड़ घुमड़ कर बादल आ गए जो बहुत ही सुंदर लगे, दामिन माने बिजली और बिजली भी चमकने
लगी है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, यानी छोटे छोटे बूंदों से मेहा माने बादल बरसने लगे, वर्षा होने लगी है। शीतल पवन स्वागत है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। मीरा के प्रति विद्वन आगे आनंद मंगल गाने की, मीरा बाई कहती है कि हम कैसे में लगता है कि आनंद मंगल गाने गाते रहे। मैं आपको भाग बोलने करवाऊंगी, अरे भाग एक में मैंने आपको भोर और बैठा का पहला पद करा दी मीरा बाई द्वारा रचित, और बाकी भाग एक में करवा दी भाग दो में बाद में करवाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।